आज दिन भर मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने के लिए मिला, और ख़ास करके जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट था उसमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने के लिए मिला। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी आज नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आज बहुत लॉस में चला गया, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जितना भी स्टॉक है वो सारे के सारे रेट यानी लॉस मेकिंग सेक्शन में चला गया। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूज़ है। फर्स्ट न्यूज़ तो यह है कि अभी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एंड पैनिक सेल हो रहा है। पैनिक सेल का रीज़न मैं आपको बताता हूँ किस लिए पैनिक सेल हो रहा है। सेकेंड रीज़न है कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट मिला है थर्ड वेव के वजह से, और इकोनॉमी में जो असर पड़ने वाला है उसके चलते लोगों ने एक पैनिक सिचुएशन आ गया है और काफ़ी सेलिंग ऑफ हो रहा है। जो असली पॉइंट है, जो क्यों मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इतना भरा ज़्यादा भयंकर गिरावट हो रहा है, उसका वजह यह है कि BSE ने सेबी के साथ मिलके एक डिसीजन लिया है एडिशनल सर्विलेंस का, ASM का। ठीक है, ASM होता क्या है? ASM एक्चुअली आपने देखे हो कि काफ़ी कोई मतलब जो स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, वो आपको 1000 2000 लेवल तक का भी रिटर्न दिया है, 1 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रैप हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है। ठीक है, ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, छोटा पेनी स्टॉक्स रहता है, ऑपरेटर्स इस स्टॉक को ऊंचाई पे लेके जाता है। 100 का स्टॉक्स 1000 हो गया, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे वहाँ पर एंट्री लेता है, फिर वहाँ से ऑपरेटर्स लोग बेच के निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए BSE सेबी के साथ बैठ के एक फैसला लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है एडिशनल सर्वेलेंस, क्योंकि एक स्टॉक इतना तेज़ी से नहीं भाग सकता, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको सीधा एकदम बिजनेस लाइन का न्यूज़पेपर से आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये खुद का नहीं है। BSE और सेबी के साथ मिलके ये बताया गया है कि जो स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है, एक दिन में वो स्टॉक्स मैक्सिमम 20% तक ही जा सकता है। सिमिलरली देयर आर शेयर्स दैट अट्रैक्ट सर्किट्स फिल्टर्स 2% 10% एवरी डे, देन देयर आर सेवरल शेयर्स वेयर डिलीवरी इज कंपल्सरी, दे ऑल्सो रिक्वायर 100% अप फ्रंट कैश टू परचेस। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूँ, BSE सेड कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, एंड ऑलरेडी आपने मान लीजिए कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज़ है और ऑलरेडी 10% का सर्किट लेके चल रहा है, तो वो स्टॉक सिर्फ 30% ही बढ़ सकता है इन ए वीक। मतलब 100 रुपीज़ स्टॉक्स आपको 130 हो सकता है इन ए वीक टाइम, एंड 3 मंथ्स में ये स्टॉक्स हो सकता है आपका 100 रुपीज़ जो स्टॉक्स है 3 मंथ्स 100 हो सकते हैं, मतलब डबल हो सकता है, ठीक है, इन 3 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, 100 रुपीज़ का स्टॉक्स कभी 1000 नहीं बन पाएगा इन 3 मंथ्स। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 100 वाला स्टॉक्स आपका एक हफ्ते में इन 1 वीक इट कैन रीच मैक्सिमम 130, और 3 मंथ्स में मैक्सिमम इट रीच डबल। ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर 200 हो सकता है। तो ऐसे इन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्टॉक का जो गिरावट के टाइम, मान लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर यहाँ पे देखिए कैन फॉल बाई 25 रुपीज़ इन ए वीक एंड 50 रुपीज़ इन 3 मंथ्स। मतलब 100 रुपीज़ का शेयर, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा, तो वो 3 वीक्स में 25 रुपीज़ ही, मतलब एक हफ्ते में 25 रुपीज़ ही गिर सकता है, मतलब 75 रुपीज़ हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। और 3 मंथ्स में 100 रुपीज़ का स्टॉक्स 50 रुपीज़ गिर सकता है, यानी 50 रुपीज़ हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बच जाएगा, और ऑपरेटर्स का जब गेम है वो थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि ये होने से ऑपरेटर्स का गेम सारा ख़त्म हो जाएगा और जो मैनिपुलेट अभी भी होता है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट कम होगा काफ़ी। यहाँ पे ये अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को और एक रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसके चलते जो स्टॉक में पैनिक सेल ऑफ हुआ,
मेनली खास करके सेल ऑफ किसने किया, हमारे और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग हैं वो लोग नहीं करते हैं, ऑपरेटर्स लोग ने किया, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है उसको पता है कि हम लोग अभी नहीं कर सकते ये मैनिपुलेशन, ठीक है। ऑपरेटर्स को लगा कि भाई ये होने से मैनिपुलेशन बंद हो जाएगा, 2 रुपये वाला स्टॉक्स अभी 500 रुपीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा भी लेकर नहीं भाग सकता हूँ, और रेस्ट्रिक्शन डाल दिया बीएससी ने, तो इसके चलते काफ़ी सेल ऑफ उन्होंने किया और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी कॉशियस होना चाहिए। जो कारेन लेवल से मिड कैप और स्मॉल कैप में और भी 20% 30% का गिरावट हो सकता है माई फ्रेंड, 20% to 30%। अगर ये आपका बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो यहाँ से और भी 20% to 30% गिरावट मिल सकता है देखने के लिए, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप निवेश किए हो। अगर आप पेनी स्टॉक है, उसका कोई फ्यूचर्स नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो वाला स्टॉक्स में आपको 60% to 80% का भी गिरने का चांसेस है, ठीक है। वो स्टॉक में काफ़ी भयंकर गिरावट हो सकता है क्योंकि वो स्टॉक का प्राइस रियलिटी में इतना नहीं होना चाहिए था, जो जिसको हाइप करके, जिसको मैनिपुलेट करके ऑपरेटर्स ने वो स्टॉक को इतना ऊंचाई में लेके गया और फिर वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे ही एंट्री मारा ऑपरेटर्स लोग ने भी बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स लोग फंस गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वालिटी स्टॉक में निवेश कीजिए, ठीक है। पेनी स्टॉक ख़राब नहीं है, मिड कैप स्टॉक ख़राब नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक्स ख़राब नहीं है, बट इसमें से कोई जो बेस्ट स्टॉक है, जैसे कोई कोई स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, छोटा कंपनी है बट मैनेजमेंट बिजनेस बहुत अच्छा है, वो वाला स्टॉक में आपको निवेश करना है। तो इससे क्या होगा, जो नया रूल इम्प्लीमेंटेशन किया है सेबी ने, बीएससी ने, इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बच जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा एकदम जीरो नहीं बनेगा, बट इससे क्या होगा कि जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया मार्केट में, इसके चलते काफ़ी सेल ऑफ हुआ है आज, तो इसीलिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 100 रुपीज़ का स्टॉक्स एक हफ्ते में 130 हो सकता है, डबल नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर डबल हो सकता है तो 3 मंथ्स में, ये पैरामीटर सेट किया है, ठीक है। और भी काफ़ी सारा पैरामीटर्स है, जैसे STTT सेगमेंट का स्टॉक्स ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, एक पार्टिकुलर उन्होंने सेट करके रख दिया है, और उससे नीचे भी नहीं आ सकता, जैसे ऊपर नहीं भाग सकता जल्दी, ऐसे नीचे ज़्यादा गिरावट भी नहीं हो सकता। एक वीक में एक स्टॉक 25 रुपीज़ से नहीं गिर सकता, 100 रुपीज़ वाला स्टॉक्स, ठीक है। सिमिलरली इन 3 मंथ्स 100 रुपीज़ वाला स्टॉक 50 रुपीज़ से नहीं गिर सकता, ठीक है। ये सारे रिस्ट्रिक्शन इन्होंने, जो बीएससी है, इन्होंने डाल दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर मैंशन किया है। और आपको किसी को नहीं पता चल गया कि भाई मार्केट में हुआ क्या आज, किसी का 1 लाख रुपीज़ लॉस हुआ, किसी का 1,50,000 का लॉस हुआ, किसी का 28,000 का लॉस हुआ, सारे के सारे इन्वेस्टर्स का पैसा आज काफ़ी लॉस में गया है, पोर्टफोलियो काफ़ी लॉस में माइनस हो गया है। इसका रीज़न यही है कि जो नया ASM है, जो एडिशनल सर्वेलेंस का मैनेजमेंट सिस्टम किया है, ठीक है, इसके बदले में पैनिक सेलिंग हुआ है, खास करके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जो मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक्स को, ऑपरेटर्स ने, उन्होंने ये गेम खेला है, ठीक है, उन्होंने बेच के प्रॉफिट बुकिंग किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पैनिक होने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, स्टॉक्स फिर से बाउंस बैक करेगा अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए तो, फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है आपका इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े दिन चलेगा, जैसे स्टेबिलाइज होएगा फिर से जो अच्छा कंपनी है वो फिर से आप होगा, ठीक है। बट यहाँ से एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि कभी भी जो एक अपर सर्किट वाला स्टॉक्स, लगातार भागते हुआ स्टॉक को निवेश नहीं करना है आपको, उसमें थोड़ा सा आपको फॉलो अप करना है, ट्रैक करना है कि किस लिए बढ़ रहा है मार्केट का। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी तो ठीक है, अगर नहीं है तो मान लीजिए ऑपरेटर का गेम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ से और भी 20% 30% गिरावट देखने के लिए मिल सकता है ऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर का स्टॉक का। बट अगर आपका स्टॉक बिल्कुल ख़राब है, पेनी स्टॉक्स है, तो यहाँ से आपको 80% का भी गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनी
बिल्कुल आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा फिर से ऊपर जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़े, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट बिल्कुल अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो आपको पॉजिटिव रिटर्न देखे जाएगा। ठीक है, तो ये था थ्री रीज़न इसके लिए आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी यहाँ पे सेलिंग ऑफ हुआ, और इकोनॉमी भी हमारे प्रेशर में है क्योंकि अभी थर्ड वेव अगर आ गया तो इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेशन था वो उससे भी नीचे आज आ सकता है। तो ओवरऑल ये मार्केट में आज काफ़ी वोलेटाइल रहा, कल थर्सडे है, कल भी प्रेशर में हो सकता है मार्केट, नेगेटिव मार्केट हो सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बिल्कुल अभी बाई के चक्कर में मत रहिए। आप एवरेज आउट कर सकते हो अगर ज़्यादा गिरते हैं तो स्टॉक का, अगर आपका पास अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स है तो उसमें इस सिचुएशन में आप एवरेज आउट कीजिए, थोड़ा छोटा छोटा करके आप एवरेज आउट करते रहिए और आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स है तो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।